तो भाई हॉस्टल से निकल गया हूँ दोस्त से मिलने के लिए, एक सिटी सेंटर में लोकेशन बताइए, तो वहीं जा रहा हूँ मैं। और अभी मेरे पास सिम नहीं है, मैंने जो हॉस्टल है वहीं से मैप को नेविगेट कर लिया था, तो बिना नेट के GPS के थ्रू मैं जा सकता हूँ। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ATM सर्च कर रहा हूँ क्योंकि पेमेंट मेरे पास में है नहीं, और ये आसपास का पूरा शॉप का एरिया है जहाँ पे मैं हूँ, इस बिल्डिंग में मैंने स्टे लिया हुआ है जो होटल और हॉस्टल दोनों है। सो ये मार्केट एरिया है, देखता हूँ। ATM तो कुछ मिला ही नहीं, एक मिला भी तो उसमें से पैसे नहीं निकले, दूसरा और एक और ATM था बट वो पता नहीं क्या ही बोल रहा था, अपने लैंग्वेज में कुछ समझ में तो आया नहीं, और ताजिक में ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, दिक्कत ये है, मीन्स ऑडियो आप उसको कर नहीं सकते हो। तो देखता हूँ कहाँ जाता हूँ, ये गाड़ी का एरिया है देखो पूरा, बाहर निकलता हूँ यहाँ से मार्केट एरिया से, कुछ ATM वगैरह मिलेगा तो पैसे निकालना सबसे पहले। और आपको बता दूँ मैं हूँ इस वक्त ताजिकिस्तान में, इसकी कैपिटल सिटी है दुशानबे, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ताजिक है, और जो करेंसी है वो ताजिकिस्तानी सोमी बोल दो, और जो रेट चल रहा है 1 ताजिक सोम = 7 INR, तो इनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, हमें 7 रुपये पे करने पड़ेंगे 1 सोम बनाने के लिए। बाकी जा रहा हूँ सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा बहुत घूमूंगा फिरूंगा, देखूंगा क्या है क्या नहीं है आसपास में, 1-2 फोर्ट्रेस हैं, फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करूँगा। भाई थोड़ा सा शहर के बीच में आ गया हूँ, देख लो दुशानबे, ये दुशानबे सिटी है। 2 ATM ट्राई कर लिए मैंने, दुशानबे के नाम से एक DCB बैंक था, उसमें तो पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब दूसरे बैंक में जा रहा हूँ कहीं देखने के लिए, कोई और मिल जाए नियर बाई उसी डायरेक्शन में जहाँ पे भाई वेट कर रहा है। सामने एक ATM है, और यहाँ पर भी भाई बसेस जो है ना वो वायर्ड बसेस अवेलेबल है, तो वो भी आप ले सकते हो जाने आने के लिए, और नॉर्मल बसेस भी अवेलेबल है। तो सामने वो है ना, एक ये नॉर्मल बसेस है। तो एक चीज़ अच्छा है कि ये लोग रोक देते हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए, कहीं भी अगर बीच में आप क्रॉस कर रहे हो तो, जैसे बस वाले ने रोक गया था तो मैं भागते हुए क्रॉस किया फिर। तो ये रहा ATM, चेक करता हूँ यहाँ पे पैसे हैं कि नहीं है। तो देख लो भाई पूरा आसपास का, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो ये है दुशानबे सिटी, मैं अभी सिटी सेंटर में हूँ और वहीं जा रहा हूँ और सेंटर में घूमने के लिए, और दोस्त से मिलने के लिए। मैंने सारे ATM ट्राई कर लिए बट ATM से पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे, देखते हैं मिलने के बाद भाई से पैसे विड्रॉ होते हैं कि नहीं, किसी जगह पर जाकर चेक करूँगा। सिम है नहीं, सिम उसके पास में है तो मुझे मिल के लेना है सिम। कुछ देख लो आसपास का नज़ारा, ब्यूटीफुल। हेलो, बिल्डिंग्स भाई बहुत सही बना रखी है, मतलब नीट एंड क्लीन लग रही है देखने में, और यूरोपियन आर्किटेक्चर का फील आ रहा है। देखो दिख रहा है, यहाँ पे आपको सारे जो ब्रांड्स हैं वो मिल जाएंगे देखने के लिए। मैंने गूगल पर चेक किया तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया, ये ताजिकिस्तान थोड़ा सा डाउन साइड में है, बट यार जो सिटी इन लोगों ने डेवलप कर रखी है उसके हिसाब से देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये डाउन साइड में है, थोड़ा बहुत भी मेरे हिसाब से तो बहुत सही लग रहा भाई, देख रहो। अभी मैं जो वॉक कर रहा हूँ जिस एरिया में, एक भी बिल्डिंग छोटी नहीं है, नीचे मार्केट है, ऊपर तुम्हारा रेजिडेंशियल है या तो होटल है, क्योंकि होटल हिल्टन भी यहाँ पीछे की तरफ दिया हुआ है, हिल्टन को देख सकते हो। थोड़ा जितना जल्दी हो सके चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ बस ले लूँ फिर वहाँ देखूँगा टैप एंड पे का ऑप्शन है कि नहीं है, क्योंकि आई डोंट हैव कैश। तो चढ़ने के बाद मैं उतर जाऊँगा, देखते हैं क्या सीन है, अगर टैप एंड पे का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई एक ही कल्चर ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा है सेंट्रल एशिया में, तो बसेस में मिलना चाहिए, देखते हैं। बाकी मेरा बस स्टैंड आने वाला है, आगे से बस लेना है 8 नंबर, सो चलते हैं देखते हैं फिर आगे। तो ये आसपास का भाई देख लो फिर से, यहीं सामने स्ट्रीट पर चल रहा हूँ, जाना है अभी थोड़ी सी दूरी और। तो भाई जिस जगह मैं जा रहा हूँ उसका नाम है इस्मोली सुमोनी मोन्यूमेंट, यहाँ से आई थिंक
डिस्टेंस जो बची है अभी भी 500 मीटर्स का डिस्टेंस रह गया है अभी भी वहाँ पे पहुँचना। फिर आसपास का एरिया देखते चलो भाई, पेड़ इतने लगे हुए हैं ना जो आपका रोड दिया हुआ है वहाँ पे देखो सारे। इधर गार्डन एरिया भी अच्छा खासा प्रॉपर हो रखा है। तो देखने में सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, प्यारा है। लोग कुछ खास वेलकमिंग नहीं लग रहे हैं, बाय फेस सिर्फ एक बंदा मुझे दिखा जो जिसने मुझे हाय हेलो किया। तो फिलहाल तो ऐसे ही है। देखो रोड के बीच में भी पेडेस्ट्रियन वॉक बना रखा है विद लाइट्स के साथ में जो नाइट में आपको दिखेगा। और कुछ ऐसा नज़ारा है पूरा आसपास का। देख लो भाई ये ताजिक लड़कियां हैं गर्ल्स। यहाँ पे ताजिकिस्तान में आपको कहीं कहीं पे इंग्लिश मिलेगा और कहीं कहीं पे रशियन भी है। कहीं कहीं पे ऑलमोस्ट जगह पे रशियन है जो मुझे दिख रहा है, और ताजिक तो यूज़ हो ही रहा है क्योंकि ये जो लिखी हुई है ये रशियन में लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे फॉन्ट्स रशियन के याद हैं, अल्फ़ाबेट्स याद हैं कौन कौन से होते हैं। इवन जब आप बोलते भी हो ना तो अब मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि कौन सी रशियन है और कौन सी रशियन नहीं है, बस इतना ही कर सकता हूँ। अब उसमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि ताजिक कौन सी उज़्बेक कौन सी है तो वो नहीं कर सकता क्योंकि इतना फैमिलियर नहीं हूँ। बाकी देखते रहो भाई। मुझे कुछ लोगों ने बोला भाई कि वीडियो में बाहर का भी दिखाओ अपने से ज़्यादा, सो मैं वही दिखा रहा हूँ। ATM मैंने ट्राई करके देख लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिल्डिंग देखो दो बहुत प्यारी दिख रही हैं। माय फ्रेंड टोल्ड मी कि जब तुम आओगे बैक साइड से तो एक दो बड़ी सी बिल्डिंग दिखेंगी। कम फ्रॉम लेफ्ट साइड यू विल सी टॉल बिल्डिंग। सो ये रही टॉल बिल्डिंग, यहाँ मेरा वेट कर रहा है वो। मैंने सारे ATMs तो ट्राई कर लिए यार, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, किसी से पैसा नहीं निकल रहा है, देखना पड़ेगा। सो फाइनली भाई मुझे सिम कार्ड मिल चुका है जिसमें कॉलिंग नहीं है बट इंटरनेट उसमें कनेक्शन है और मैं बस व्हाट्सएप पर इंटरनेट कॉल कर सकता हूँ। और अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये है मेगाफोन का, मैंने यही सिम लिया हुआ है, मेरे दोस्त ने दिलाया था। सो जो मैंने लोकेशन आपको बताई थी वो ये रही जहाँ मुझे जाना था। ये है इस मौली समोनी मोन्यूमेंट जो रही ये, और ये जो आप देख रहे हो ये पार्लियामेंट था रशियन फेडरेशन का जब यहाँ पर रशिया का प्रॉपर रोल था, कंट्रोल था उस बीच में। अगर वो चले भी गए तो उसके बाद में यहाँ पे ये पार्लियामेंट हुआ करता था। इसको मूव करके वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना उस साइड पे, वो बिल्डिंग वो न्यू पार्लियामेंट ऑफ ताजिकिस्तान है, वो है नया पार्लियामेंट, ये था पुराना पार्लियामेंट। मैं हूँ मेगाफोन की बिल्डिंग में, अभी मैं जा रहा हूँ पैसे निकालने के लिए ATM से। सो उसमें इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। सो आई विल बी गोइंग टू ओरियन बैंक, सो ओरियन बैंक चलते हैं। वहाँ से बताया है कि बैंक में जाके वहाँ पे ATM होते हैं, उसमें कैश होगा तो वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं होगा तो बैंक से बात करूँगा, देखूँ क्या है स्क्रीन पैसे विड्रॉ करने का। फिलहाल तो मेरे पास अभी कुछ पैसे नहीं है, कार्ड तो ऑप्शन अवेलेबल है ये खाने पीने के लिए तो वो मैं खा पी लूँगा, पैसे निकालने के बाद ही वापस आऊँगा तो ये पूरा एक्सप्लोर करूँगा। चलता हूँ मैं, पहले देखता हूँ ये आस पास का एक बार देख लूँ फिर से नज़ारा, पहले बैंक जाता हूँ बैंक से काम कराता हूँ उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में। तो भाई हुआ कुछ नहीं है, आप जब भी ताजिकिस्तान में आ रहे हो भाई तो मेक श्योर कि वीज़ा कार्ड तो यहाँ पे ATM पे काम नहीं कर रहे हैं, बट आप पैसे पहले से विड्रॉ कर लो, करेंसी एक्सचेंज जो भी करानी करके आना। और जो रेट चल रहा है फिलहाल वो 1 ताजिक सोम में 7 INR है। मैं बैंक के चक्कर काट रहा हूँ पैसे निकालने के लिए। ओरियन बैंक मैंने ट्राई कर लिया है, अभी जा रहा हूँ मैं अमोनत बैंक। बैंक के एक कर्मचारी ने किसी को फ़ोन किया था हु स्पीक्स इंग्लिश, सो ही मेड मी अंडरस्टैंड दैट यू कैन ट्राई द अदर बैंक। सो मैं 500 मीटर की दूरी पे एक और बैंक है वहाँ पर जा रहा हूँ, देखते हैं कुछ पैसे पहले इंतज़ाम करते हैं, फिर जाऊँगा रेलवे स्टेशन वहाँ से चेक करूँगा ट्रेन का क्या ऑप्शन है, नहीं तो फिर मुझे वापस उज़्बेकिस्तान में एंटर करना पड़ेगा। ताशकंद जाऊँगा, ताशकंद से सीधे अलमाटी वापस लौट जाऊँगा क्योंकि जो नेक्स्ट कंट्री है उसका वीज़ा अभी तक मेरे को अपडेट नहीं मिला है, ना ही वेबसाइट खुल रही है। सो लेट्स सी क्या अपडेट है क्या नहीं है, मेल भी नहीं आया मेरे को अभी तक का। अगर इशू हो गया होता वीज़ा तो मेल भी आ चुका होता कंफर्मेशन के लिए, जो कि अभी आया नहीं है। चलते हैं दूसरे बैंक में चेक करते हैं, फिर वहाँ पे भी आपको अपडेट देंगे। ओके अभी मैंने क्या किया यार, ATM तो निकाल लिया है, ये करेंसी है 20 उस्मानी की और 5 उस्मानी का शर्मा रोल है,
ना ना ना, वो रोल ले रहा हूँ मैं। और ये बगल में बैंक था, यहीं से मैंने निकाला है। अभी अंदर बैठ के खाने वाला हूँ, तो खा के फिर निकलता हूँ क्योंकि कुछ खाया नहीं है मैंने। करेंसी में दिखा देता हूँ बट इससे आपको कुछ ऐसी दिखती है। ये है 100 सोमानी का ताजिकिस्तानी सोम, ये है 20, और एक है इसमें 10, ये 10 सोम। तो खा लेता हूँ पहले भाई, उसके बाद आगे बात करते हैं। सो भाई मैं आया हूँ इस्तिक्लोल कॉम्प्लेक्स में, जो यहाँ का कल्चरल लैंडमार्क है। कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे इस गेट, इसमें पार्क में एंटर होने के लिए ये एंट्री बन रही है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके, यहाँ पे ना ये जो बिल्डिंग आपको मैंने अभी दिखाई है, इसके बगल में ना पार्क है, जो ये लोग परेड के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ 30th एनिवर्सरी ऑफ द ताजिक इंडिपेंडेंस, विच वॉज इन 1991। सो 30th एनिवर्सरी पे ऑनर करने के लिए, इंडिपेंडेंस को, ये बिल्डिंग बनाई गई थी। सो इसमें कुछ ताजिक एलिमेंट्स भी यूज़ किए गए। एलिमेंट्स इन द सेंस, अगर आप डिज़ाइन की बात करोगे तो ताजिक स्टाइल जो है वो यूज़ किया गया है। और ये कल्चरल यहाँ पे लैंडमार्क एक और क्रिएट किया गया है, दिस इज़ अ मैन मेड। इसकी एंट्री फीस जो है वो 70 सोम है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 से 7 7 49, यानी कि 490 रुपये की कम से कम एंट्री फीस है। आप ऊपर तक जा सकते हो। और इसके चारों तरफ ये जो आपको गुंबद से दिख रहे हैं, ये आई थिंक 6 और 7 गुंबद बने हुए हैं, जो कि हॉल्स हैं। तो मैं थोड़ा सा और पास आ गया हूँ, देख लो आप। और मैं अंदर ही जा रहा हूँ यार, 400 रुपये 500 रुपये फूकने के लिए। करेंसी वैसे यहाँ पे स्ट्रांग हो चुकी है, वीक करेंसी होती है तो घूमने में मज़ा आता है। जहाँ करेंसी स्ट्रांग हो जाती है ना, दिमाग ख़राब हो जाते हैं। आप देख लो भाई, पास से कितना ह्यूज है, देखने में कैसा लग रहा है। सो यही है, इसके आसपास का पूरा गार्डन एरिया है, पेड़ पौधे हैं। वो छोटा सा स्क्वायर काइंड ऑफ बनाया गया है, जहाँ पर लोग आके इकट्ठा होते हैं। चलते हैं दूसरी तरफ। इसके जो करेंसी का नाम है वो है सोमोनी, ताजिकिस्तान सोमोनी और ताजिक सोमोनी। सोमोनी जो है वो इनके यहाँ पे जो लीडर हैं, जिनकी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है, इस्माइल सोमोनी, जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था स्टैचू थी, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है, अमेजिंग है। ग्लास पे जो ऊपर से वर्क किया गया बहुत खूबसूरत है। बाकी पूरा टच दिया गया है ताजिक आर्किटेक्चर का, क्योंकि ऑब्वियस भाई जिस कंट्री में जाओगे वहाँ पर उसका आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो इसी से मिलते जुलते आपको और भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। एक फ्लैग पोल है, वाटरफॉल है, और एक इनका नॉर्मल सा पिलर है, विच इज़ ऑल्सो एन हिस्टोरिकल लैंडमार्क। यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो मैंने नोटिस किया था, हांगकांग में और सेंट्रल एशियन जितने भी कंट्रीज आप घूमोगे ना, उनमें आपको बैंक के लिए भाई स्पेशली इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी ना कि दिमाग ख़राब हो जाएगा। और एक नहीं, 2-3 सेम बैंक्स है। अगर एक होम ब्रांच हो सकती है तो भाई 2-3 4 मतलब एक ही सिटी में कितनी होम ब्रांच हो सकती हैं। अच्छे खासे बैंक्स बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दी हुई हैं। पीछे बिल्डिंग थी, निकल गई। और यहाँ पे मोस्टली लोग का जो फेवरेट कलर है ना, वो ब्लैक कलर है। हांगकांग में तो थोड़ा सा क्रीमिश था, वाइट था, स्किन टोन जो आप कह सकते हो वो कलर है, या फिर लाइट, एकदम लाइट ब्राउन ये टोन था। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर पसंद कर रहे थे, और यहाँ पे सिर्फ ब्लैक वेयर करना पसंद करते हैं। ऐसे देख लो, सामने भी पूरा ऐसे ही है। ये पुलिस हेडक्वार्टर लग रहा है मेरे को, आई थिंक सो। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, पर कुछ है नहीं। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारे सिमिलर हैं, कोई अलग नहीं है। पहली डिस्प्ले लगी हुई है अभी तक की सबसे बड़ी जो मैंने देखी है सामने। कुछ ये फ्लावर्स आपको हर जगह लगेंगे, ऐसे पत्ता गोभी नहीं होते हमारे यहाँ पे, ऐसे पत्ता गोभी है, खिल जाने के बाद से दिखते हैं, बट यहाँ पर्पल और क्रीम कलर में है।